हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, एक्चुअली हम लोग टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं एक ईयर पहले, मीन्स जैसे सेकेंड ईयर की एंडिंग होती है अप्रैल वगैरह में, तभी हम लोग सोच लेते हैं। जब पिछले साल वाला प्रोडक्शन एंड होने को होता है, हम सोच लेते हैं कि नया क्या करना है। और टीम्स ऐसा करती हैं मोस्टली, वो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्ट्रीट थिएटर कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है तो वो लोग अपना प्रोडक्शन तब उतारते हैं। लेकिन हम लोग जैसे ही हमारा नया सेशन स्टार्ट होता है, नया ईयर स्टार्ट होता है, हम लोग नए नाटक के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं टॉपिक क्या है, उसके बाद उसका प्लॉट बनता है कि हमें क्या क्या दिखाना है, उसमें क्या क्या दिखाना है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा हमारा प्ले। प्लॉट डिसाइड करने के बाद फिर काम होता है उसकी स्क्रिप्ट पर, स्क्रिप्ट में डायलॉग वगैरह, सॉन्ग्स एक्चुअली पूरी टीम मिलके लिखती है, एक इंडिविजुअल बंदा भी नहीं लिखता। हाँ, एक आधी सॉन्ग होता है जो इंडिविजुअल बंदा बैठ के लिखते, बाकी हम लोग तो ऐसा करते हैं पूरी टीम बैठती है, सब मिलके लाइंस बताते हैं, सबसे सॉन्ग लिखवाया जाता है, लेकिन जो जो लाइन बेस्ट होती है उनसे एक सॉन्ग में डाल देते हैं और ऐसे हमारे सॉन्ग्स बनते हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखने के बाद फिर उसके डायरेक्शन पर काम होता है, स्क्रिप्ट के सीन पर काम होता है। उससे क्या होता है, धीरे धीरे पहले ब्लॉकिंग स्टार्ट होती है सीन की, ब्लॉकिंग होते होते पूरा पहले एक नाटक का स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उसके बाद उसकी फिनिशिंग पर काम होता है, एक बंदे के डायलॉग पर काम होता है, सीन पर काम होता है। ऐसे कर करके अब हम लोग कहीं कॉम्पिटिशन आता है तो सबसे पहले जो स्क्रिप्ट बनी हुई है विद सिनॉप्सिस उनको मेल करते हैं, अगर वो लोग हमें सेलेक्ट करते हैं फिर हम ये अपना जो नाटक तैयार हुआ है विद पॉलिशिंग इसको लेके कॉम्पिटिशन में जाते हैं और वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं।